तो ये देखें, ये ब्लैकिश डार्ट्स हैं बिल्कुल, जो है ये दाने का जो ऊपर वाला छिलका है ये काला हो चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं आपको बताता रहता हूँ कि जिस भाई ने जो है फंगस का स्प्रे नहीं करवाया, जिस भाई ने जो है बेहतियाती की है, जिसने जो है लागर्जी की है कि अभी फंगस का हमला हुआ ही नहीं है, फफूंदी का हमला धान के ऊपर हुआ ही नहीं है, तो मैं क्यों उसकी स्प्रे करवाऊँ। तो मेरे भाइयों, अब ये जो फील्ड खड़ी है, इस फील्ड वाले बंदे ने 3 दफ़ा फंगस का स्प्रे करवा चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब मसला क्या आ रहा है कि जैसे ही ये सीटा निकलता है, जैसे ही ये जो है फ्लावरिंग स्टेज में जाती है हमारी मुंजी, तो फिर क्या होता है, उसका जो दाना है वो मर जाता है। अब उसकी जो है सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं उसकी, ये कैमरामैन ज़रा करीब हो के ये देखा है, तो ये देखें, ये ब्लैकिश डार्ट्स हैं बिल्कुल, जो है ये दाने का जो ऊपर वाला छिलका है ये काला हो चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। ये है फंगस का हमला। अब ये कैमरामैन मेरा ज़रा इधर आके अगर दिखाए तो ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा हमला है इसका, वो प्लांट खड़े हैं उधर भी हमला है। अभी तो ये सीटा निकल रहा है, ये वाला सीटा देखें, अच्छा ये बिल्कुल शदीद हमला मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अभी तो ये सीटा निकल रहे हैं, अभी बहरहाल जो है इसकी फ्लावरिंग नहीं हुई, अभी बहरहाल ताहाल जो है इसका अभी सीटा फुल नहीं निकला, लेकिन फिर भी जो भी निकल रहा है उसकी ये सिचुएशन है। तो मेरे भाई ये फंगस का हमला है, इस हमले से बचने के लिए इसकी एहतियाती तदबीर, इसकी एहतियाती स्प्रे आप लाजमी कराएं। मोस्टली हमारे फार्मर्स जो हैं, जो जेनेरिक कंपनीज़ की या जो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो जिसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट जो है इसको अफाका नहीं दे सकता। किसी अच्छी कंपनी का फंगस जो है इस पर स्प्रे करें, जैसे नटीवो है या 2-3 और अच्छे जो है फंगीसाइड है उसका जो है आप स्प्रे करें, ताकि आपकी फसल जो है महफूज रहे और आप अच्छी पैदावार से हासिल कर सकें। अब ये देखें इस फंगस के हमले ने इस कितने दाने होंगे इसमें, अगर इसको काउंट करें तो 100 से ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें एक भी मौजूद नहीं है, ये सारे खाली हो चुके हैं। ये है एक फंगस का नुकसान जो कि हमारे फार्मर्स वक्ती तौर पर इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर उसका सामना जो है ये करना पड़ता है कि उसकी पैदावार में इंतहाई कमी आती है। तो ये पैगाम आप तक पहुँचाना था। वसलाम।